आपका मेरे एक और न्यू ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और दोस्तों माइनक्राफ्ट के पूरे दुनिया के प्रो हूँ मैं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि दोस्तों मैं माइनक्राफ्ट में बहुत बड़ा नूब हूँ, और इसलिए मुझे कुछ नहीं पता माइनक्राफ्ट के बारे में क्योंकि माइनक्राफ्ट में पहली बार खेल रहा हूँ। इसलिए मुझे आप लोग कमेंट करके बताना कि माइनक्राफ्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा। माइनक्राफ्ट में मुझे जहाँ तक पता है कि मुझे सिर्फ चार चीज़ें पता है कि एक है वो फार्मिंग करना और एनिमल्स लाके उनको पालना, माइनिंग करना, और दोस्तों घर बनाना। तो दोस्तों मुझे इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं पता, और आप मुझे कमेंट करके माइनक्राफ्ट के बारे में मुझे आप टिप्स दे सकते हो जिससे मैं माइनक्राफ्ट में नोब से प्रो हो जाऊँ। तो दोस्तों इसके अलावा तो दोस्तों आज हम इस गेम प्ले में आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों मैं वो बता देता हूँ। तो दोस्तों पहले तो आज हम दोस्तों हमारा एक घर बनाने वाले हैं, और इस घर में घर बनाएंगे। और दोस्तों मैंने जो है यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, तो इसलिए मुझे घर बनाने का मैंने सोचा है। और मैं जो घर बनाने वाला हूँ वो एक मॉडर्न हाउस होगा, लेकिन वो इतना बड़ा भी नहीं होगा। और मॉडर्न हाउस बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हमें सर्वाइवल पर ईजिली हमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जो अपना घर है वो क्रिएटिव में बनाऊंगा, और क्रिएटिव में बनाने के बाद जो बाकी के काम है, जो माइनिंग करना है, एनिमल्स आना है और विलेजेस लाना है, वो सब हम सर्वाइवल पे करेंगे। हाल ही में हम अपना जो घर है वो हम क्रिएटिव में बना लेते हैं, और इसके बाद दोस्तों हम लोग पूरा काम सर्वाइवल पे करेंगे। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा माइनक्राफ्ट में प्रो बनने के लिए, और बताना मुझे। दोस्तों हम अपना घर बना लेते हैं, बनाने के बाद में आपसे मिलता हूँ जल्दी। बहुत मेहनत करने के बाद और बहुत अपना दिमाग लगाने के बाद दोस्तों मेरा घर जो है तैयार हो गया है। दोस्तों अगर ये घर आपको फ्रंट साइड से अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दो। दोस्तों मैं आपको पूरा चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ घर का, मतलब एरिया, और उसके बाद मैं जो है घर का अपना अंदर का भी होम टूर दूंगा। तो चलो दोस्तों जल्दी से आपको अपना घर दिखा देता हूँ। तो ये रहा बाहर से घर का लुक, और दोस्तों हम प्रवेश करने वाले हैं हमारे घर में। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला रूम। तो इस रूम में मैं यहाँ पे कोई आए तो यहाँ आके वो यहाँ पे कोई आए तो यहाँ पे आए आके कोई बैठ सकता है, और आराम से यहाँ पे टीवी देख सकता है। यहाँ पे टीवी नहीं, क्रिकेट है, मतलब जो भी है देख सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो है ये मैंने बाथरूम बनाया है, लेकिन दोस्तों कहीं से भी ये बाथरूम जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग समझ गए ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। और दोस्तों ये इसके अलावा हमारे किचन भी है, तो दोस्तों दिखाता हूँ मेरा किचन। तो दोस्तों ये रहा हमारा किचन, जिसमें हमने एक टेबल, दो कुर्सियाँ और ये सब रखा है, और एक फ्रिज रखा है। हाँ मुझे पता है ये फ्रिज जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसे ही डिज़ाइन के लिए मैंने इसको रख दिया। और दोस्तों यहाँ पे सजावट के लिए मैंने ड्रैगन का हेड भी रखा है। इसके अलावा दोस्तों ये रहा हमारा कुत्ता, इस कुत्ते का मैंने नाम रखा है मार्को। दोस्तों अगर ये कुत्ते का नाम भी आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए भी लाइक कर दो और कमेंट कर दो। और दोस्तों ये रहा हमारा बेडरूम, जहाँ पे हम आके सो सकते हैं, और सो के उठ के हम बाहर का एक अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई वाटर, मतलब रिवर होता है, तो ये नज़ारा और भी सुंदर लगता। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एक और रूम है, वो भी दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रूम मैंने ऐसे ही बना दिया, पता नहीं, और ये पेंटिंग्स मैंने यहाँ पे लगा दिया सजावट के लिए। और इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट में ये रहा हमारा एक गैलरी टाइप का एरिया, जहाँ पे हम शाम को आके चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय यहाँ पे चाय नहीं है, कोई बात नहीं, वहाँ अपनी खुद की एक चाय की दुकान खोल लेंगे और उससे बहुत सारा पैसे कमाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी मेरा घर, लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैंने ये घर बनाने से पहले मैंने एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक अपना घर बनाया था, घर मतलब यहाँ पे रूम बनाए थे। तो दोस्तों मैं आपको वो रूम दिखाऊंगा। दोस्तों इसके अलावा इस घर को कितने बनाने में कितना समय लगा, तो दोस्तों इस घर में अगर रियल लाइफ की बात करो तो 2 दिन लगे मुझे और माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड की बात करो तो मुझे 7 हफ्ते से ज़्यादा, 7 हफ्ते ही आए, सॉरी 7 दिन से ज़्यादा लगा, 1 हफ्ता कम से कम लगा, क्योंकि मैं पहले मैंने बनाया था, फिर मैंने तोड़ा, फिर बनाया, फिर तोड़ा, ऐसे करके करते करते बहुत दिन लग गए। दोस्तों अभी रात हो गई है, बाहर जॉम्बी स्क्रीपर्स ये आ रहे होंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले सो लेते हैं, सोने के बाद हम लोग जो है मैं आपको अपना अंडरग्राउंड का
घर दिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों यहाँ पे सो लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह हो गई है और हम अपना जो है पिकक्स लेके तो यहाँ से निकलते हैं और आपको मैं अपना अंडरग्राउंड घर दिखाता हूँ। दोस्तों हमारा जो अंडरग्राउंड घर है तो वो यही है। तो चलो मैं आपको नीचे ले जाता हूँ। दोस्तों ये रहा हमारा अंडरग्राउंड का घर। दोस्तों मुझे आपको और बहुत ही बड़ा यहाँ पे मैंने जो एक रूम बनाया है बहुत बड़ा जहाँ पे कुछ नहीं है अभी तक। और दोस्तों यहाँ पे भी मैंने एक और रूम बनाया है उसके पीछे। और यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ किताबें रखी है लाइब्रेरी टाइप के। और एक दोस्तों चेस्ट है जहाँ पे ये सब खाली है कुछ नहीं इसके अंदर। और दोस्तों जो मेन चीज़ है वो दोस्तों उस दूसरी तरफ मतलब मेन चीज़ नहीं तो दूसरी तरफ एक केब है तो दोस्तों वो दिखा देता हूँ। इधर पर पानी है। और दोस्तों जब मैं लास्ट टाइम इधर पर आया था तब मुझे यहाँ पे यहाँ से बहुत सारे आयरन और कोल मिले थे और इसके अलावा मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं मिला। लेकिन दोस्तों ये सब मिले थे। और दोस्तों सर्वर पे अगर मुझे खेलना होगा तो मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी और मुझे माइनिंग करना पड़ेगी। इसलिए मैंने ये केव में आके मैंने माइनिंग किया था और मुझे बहुत सारे वहाँ पर चीज़ मिला था लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं मिला था। और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर डायमंड मिलता है कि नहीं। दोस्तों वहाँ पे आगे बहुत अंधेरा है और हम यहाँ पे बिना टॉर्च के नहीं जा सकते इसलिए हम कुछ टॉर्च हम कलेक्ट कर लेंगे मतलब बना लेंगे उसके बाद हम टॉर्च लेके वहाँ पे जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बहुत से क्रीपर्स है का मैं आशा करता हूँ कि मुझे क्रीपर्स नहीं मिले। लेकिन दोस्तों अगर हमें क्रीपर्स मिल जाते हैं तो हम अब पूरी बहादुरी से भाग जाएंगे। हाँ दोस्तों हम भागेंगे क्योंकि मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ जो मैं क्रीपर्स के साथ फाइट करूँगा और अपना डेथ कर लूँगा। और उससे इसके अलावा अगर मैं बाहुबली होता तभी मैं नहीं लड़ता क्योंकि बाहुबली छोटे छोटे क्रीपर से नहीं लड़ता। तो मैं अगर बाहुबली होता तो फिर भी नहीं लगता और अब मैं बाहुबली नहीं हूँ तो मैं जितना मुझे आता है उतना मैं तेज दौड़ने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं अपना के भी भूल गया हूँ। वाह क्या सीन है। और दोस्तों मिल गए यहाँ पे। दोस्तों मुझे यहाँ ऊपर ही वहाँ पे कि ऊपर ही मुझे थोड़ा सा कोल टाइप का ब्लॉक दिखा था तो दोस्तों वो कलेक्ट कर लेते हैं। हाँ दोस्तों ये रहा। दोस्तों मुझे बताना है कि ये कोल हमें बाद में किस काम में आएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का आया। हाँ ये देखो दोस्तों मुझे बताना है ये ग्रीन कलर का ये चीज़ है क्या क्योंकि मुझे नहीं पता। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी ब्लॉक थे मैं उन सब से आप कोल और जो कोल बम होने मैंने कलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बाकी कुछ नहीं मिला। और दोस्तों बताना है कि मुझे और क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करना पड़ेगा इस गेम में सर्वाइव करने के लिए। और दोस्तों मुझे टिप्स देना कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। और दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था। अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो हालांकि ये वीडियो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था आपके लिए तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि जो नेक्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मुझे आप कमेंट करके बताना कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा आप मुझे टिप्स देना जिससे मैं नोब से प्रो बन जाऊँ क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट का बहुत बड़ा नूब हूं दोस्तों क्योंकि सिर्फ मैंने अब तक अपना घर बनाया है और ये जो नीचे बेसमेंट है ये सब बनाया है बाकी और मैंने कुछ नहीं किया है। और दोस्तों इसके अलावा एक नया वीडियो आने वाला है माइनक्राफ्ट का नहीं दूसरे गेम का सिमुलेटर टाइप का गेम है तो वो देखना मत भूलना। तो दोस्तों बाय मिलते हैं।